अपनों की नहीं, इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स की टीम कहाँ पे पहुँची है? इंडिया न्यूज़ पहुँच गई है रेड बुल मियो सीजन 5 पे पहुँची और हमारे साथ समय मौजूद है। इनकी कॉमेडी और इनके ट्वीट्स अगर आप नहीं पढ़ते हो तो अभी जाके फॉलो करो। अगर जो लोग न्यूज़ देखने वाले हैं ना भाई, एक बार फॉलो कर लो बंदे को, मैं गारंटी बताता हूँ रोज़ हंसने वाले हो। तो समय कैसा लग रहा है दिल्ली आके पहले, सबसे पहले आप मेरे को बताओ? भाई बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आने के पैसे मिले हैं तो और भी अच्छा लग रहा है मेरे को तो यार। अब पैसे मिले तो कितने मिले तो बताओगे? नहीं ओ बताना है कि नहीं बताना, नहीं बताना, सीक्रेट रखना ना। और उनसे इंस्पायर होते हैं वो जो लोग कमेंट में बताते हैं किस तरह से क्या काम कर रहे हैं, उनसे इंस्पायर होके हम मोटिवेशन लेके काम करते हैं, तो हाँ उसी तरह से ग्रो करते हैं बस। तो आज का जो इवेंट है, आपकी फेवरेट गेम इनमें से कौन सी है ये बता दो भाई? मेरी तो क्लैश ऑफ क्लैंस। तो क्लैश ऑफ क्लैंस को सपोर्ट करने आया सौरभ जोशी, और मैं ये पूछना चाहूँगा कि सुनने में आया था सूत्रों के हवाले से कि आपका कुछ नया गाना वाना और कुछ आ रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गाना तो आ चुका है, बस अब शूट पे जाना है, अब बाहर शूट करेंगे। तो एक और मैं चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर बात की जाए इंडिया में गेमिंग का जो लेवल है नेक्स्ट लेवल होने वाला है, क्योंकि 2019 से 20 की बात की जाए तो इंडिया का जो गेमिंग रेवेन्यू था 7,000 करोड़ था, और अब 2021 से 22 की जो रिपोर्ट आई है 14,000 करोड़ है, तो मतलब एक 100% की हाइक आई है। तो हाउ डू यू फील दैट कि इंडिया जो है ग्लोबली इस्टेब्लिश हो रहा है गेमिंग के लेवल में? यार मुझे इतना तो नहीं पता क्योंकि मैं तो गेमिंग नहीं करता ना। वो पीयूष से पूछो, पीयूष से पूछो। ये हमारे छोटे खिलाड़ी हैं बट बहुत बड़ा धमाका है। पीयूष अब कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, गेमिंग तो बाद की बात है। हेलो पीयूष, कैसे लग रहा है सबसे पहले यहाँ के? बढ़िया। तो पीयूष मेरे को ये बताओ कि गेमिंग जो है ना इंडिया में बहुत बड़ा, हर एक बच्चे से बच्चा गेम खेलता है और आप भी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, खुद का आपका सेटअप है, लाखों में सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इंडिया पहले जो गेमिंग था, पहले छोटी मोटी गेम आते थे, लेकिन अब VR बॉक्स है आपके, मल्टीपल गेम्स खेलते हैं आप, तो इंडिया के जितने बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हो कि गेम खेलनी चाहिए क्या क्या आप, या फिर बिल्कुल एक तरफ ध्यान दे देना चाहिए, पढ़ाई अपनी जगह गेम अपनी जगह? यही है, पढ़ाई अपनी जगह गेम अपनी जगह, मतलब पढ़ाई को भी टाइम देना पड़ता है और गेम को भी, मतलब गेम मतलब पढ़ाई आगे रहती है, अब गेम मतलब बाद का जो सीन होता है वही है, जब टाइम पास करना होता है मतलब आधा एक घंटा, वही ब्रेन को रिलीफ देने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात की है पीयूष ने, छोटे हैं लेकिन बहुत डीप बात की है कि पढ़ाई अपनी जगह है और गेमिंग अपनी जगह है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसा नहीं कि आप पूरा गेम में चले जाओ, दोनों को अलग अलग टाइम दो, गेम को अलग दो और पढ़ाई को अलग दो। तो ये सबसे पहले बताओ कौन से वाले दादा ज़्यादा तंग करते हैं? साइड में कौन से वाले? कोई नहीं, एक बताना पड़ेगा तो सामने खड़े इसलिए नहीं। दोनों मैं तंग तो दोनों करते हैं मेरे को। क्या हुआ, क्या मैंने तंग कौन करता है सबसे ज्यादा? दोनों मेरे को तंग करते हैं। मैं कहाँ तंग करता हूँ, मैं तो बल्कि इसको बताता हूँ कि तू आगे ग्रो करने, इसको बताता हूँ मैं ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ें तुझे फॉलो करनी है, किस तरह से काम करना चाहिए लाइफ में। कह रहे बोलते कि सौरभ दा जो है अभी सारी यूट्यूब मनी सौरभ दा ले जाते हैं अपने पास? नहीं देते। नहीं, अरे सब अपने सब मतलब फैमिली का है, ऐसा मेरा कुछ नहीं है, सब है। हम साथ ही रहते हैं पूरा दिन, हम पूरा दिन साथ रहते हैं जहाँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूँ आपके साथ अंकित चंदेल और मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली पायल। तो सबसे पहले स्वागत है पायल आपका हमारे चैनल। थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा है इतने सारे फैंस के बीच में आके, मैं मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकती, मैं एकदम शिवर कर रही थी जैसे मैं एंटर की, इतना लोग हूटिंग कर रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं, एंड मेरे एक फैन ने मुझे ये स्केच भी गिफ्ट किया है और 2-3 गिफ्ट्स और भी है। अनफॉर्चुनेटली मैं सबको नहीं मिल पाई बट सबको ऐसे देख के आई एम फीलिंग लाइक ओवरवेल्म्ड। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, लव यू ऑल, थैंक यू। थैंक्स थैंक्स पायल, सो मच एक्साइटेड एंड सो मच हैप्पी बिकॉज यू हैव वॉन दिस स्पेशल ट्रॉफी। एंड सब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर विनिंग, एक्चुअली मेरा लैन इवेंट खेलना सपना था। लैन इवेंट थोड़ा पैनिक तो होता बट आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट, बहुत एक्साइटेड है, विन हुआ था, बहुत बहुत खुश है, वो वर्ड्स में भी नहीं बोल सकता क्योंकि एक इंडिया में ई स्पोर्ट्स अभी अभी लाइक या ऊपर क्या आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये ट्रॉफी उठा के ले जाना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए वो है, और इस रेड बुल की पेटी जरूर लेके जाना, ठीक है? क्योंकि ये यंग जनरेशन है, ये इंडिया का फ्यूचर है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा ग्लोबली और पहचान दिलाएगा कि हम इंडियंस किसी कंपनी है। और लास्ट में फैंस के लिए एक मैसेज, फैंस के लिए तो यही मैसेज है कि डू व्हाट योर हार्ट डिजायर्स, बट उसके बीच में देखो अपनी पढ़ाई वगैरह कुछ चीज़ें मत छोड़ना, अपने पेरेंट्स की के मन के भी करो, खुद के मन के भी करो, एट द एंड गेम्स खेलो, मजे करो, ऐसे इवेंट्स पे और क्या चाहिए। तो ये था रेड बुल एमईओ सीजन 5, और मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा, एक बार क्राउड को हाय बोल दो सो दैट दे कैन चीयर इट अप। स्टार्ट हो गया क्या?
हाय गाइस, और सबसे पहले तो रेड बुल भी और आप ही रेड बुल का मजा लो। एमईओ सीजन 5 आपने जैसे कि पूरा देखा कैसा इवेंट था, कितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स से लेके गेमर्स से लेके हर कोई यहाँ पे मौजूद था। लेकिन सबसे पहले अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छा एक इवेंट था रेड बुल द्वारा आयोजित, और इसी के साथ साथ सीजन 5 ये था। इसी के साथ आपको बता दूँ रेड बुल ने काफ़ी अच्छे अच्छे इवेंट्स यहाँ पे रखे हैं, डीजे नाइट यहाँ पे मौजूद है, उसके साथ साथ 1-to-1 इंटरेक्शन, मीट एंड ग्रीट, सब कुछ ओवरऑल काफ़ी अच्छा था। बड़े बड़े स्टार्स से हम आपको रूबरू कराया हमने, पायल, पीयूष, सौरभ, कितने बड़े बड़े स्टार हैं जो यहाँ पे आए थे, और काफ़ी अच्छा एक लगा हमें भी आके। और अगर आपको भी ये पूरा इवेंट, पूरा मीडिया कवरेज अच्छा लगा हो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी गेम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि पूरी गेमिंग को डेडिकेटेड ये पूरा इवेंट था। तो आपको इवेंट कैसे लगा हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही मेरी तरह रेड बुल व्यूअर एंजॉय करो। बाय।